नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पशुधन किसान में स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए पशुपालन से ही संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, वह है पशुओं में जेर का न गिरना, जिसे इंग्लिश में हम लोग रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इससे संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसा ही कोई नया वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख करके बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यह रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इस जानवर में कि उसका जो जेर है, जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं, वह लटका हुआ है। तो अगर बच्चा देने के पश्चात, अगर पशु में बच्चा होने के पश्चात अगर कोई चीज़ उसके पीछे तरफ लटका हुआ दिखाई दे, है ना, तो वह उसका जेर होता है, प्लेसेंटा होता है। और वह क्या होता है, यूट्रस से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाने के कारण से लटका हुआ रहता है। उस स्थिति में हमको उसको हैंड रिमूवल या फिर दवाइयों की सहायता से बाहर निकालना पड़ता है। तो यदि इसका हम लोग कारण जानने की कोशिश करें तो हमको पता चलता है कि जो बच्चेदानी में ये जो जेर होती है, उसमें छोटी छोटी बटम नुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं, जिनको हम लोग कॉटलीडन्स बोलते हैं। ये जो बटन्स होते हैं और वे गर्भाशय में बने छोटे छोटे जो काज होते हैं उन पे फिट होते हैं। यदि किसी कारणवश ये बटन उन काजों से अलग नहीं हो पाते हैं तो वह वहीं पर लटके हुए हमको दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि यदि पशु में कैल्शियम के साथ साथ अन्य मिनरल्स की अगर कमी होती है, उस स्थिति में पशु के जो वो काज होते हैं वह बच्चा देने के पश्चात ढीले नहीं हो पाते हैं और यह जो प्लेसेंटा होती है वहीं पर फंसी रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है। यदि प्लेसेंटा पूरी तरह से शरीर से बाहर ना निकले बच्चा जन्ने के पश्चात, तो वह वहाँ पर सड़न उत्पन्न करती है और बच्चेदानी को ख़राब करने का कार्य करती है। तो यदि आपके जानवर में भी इसी तरह से प्लेसेंटा लटका हुआ दिखाई दे बच्चा जन्ने के पश्चात, तो आपको उसे किसी दवाई डाल करके या फिर उसे जिस तरह से अभी मैं आपको हैंड रिमूवल के थ्रू उसे बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, उस तरह से डॉक्टरों की सहायता से उसे ज़रूर बाहर निकाल दें, अन्यथा आपके जो जानवर होंगे उसे दूसरे ब्यात में बहुत ही कठिनाई होगी और फिर से गर्भधारण नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो अपने जानवरों को मिनरल मिक्सचर तथा कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा गर्भधारण के समय ज़रूर उपलब्ध कराएं, ताकि आपको इस तरह की परेशानियां देखने को ना मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसे हैंड रिमूवल के तरीके के बारे में बतलाता हूँ। जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो कि मेरे हाथ में एक लकड़ी है छोटी सी, और उस पर मैं प्लेसेंटा को लपेट करके उसे धीरे धीरे खींच रहा हूँ। आपको प्लेसेंटा को अगर निकालना है तो इसी तरह से उसे हल्के हाथों से धीरे से पकड़ करके धीरे धीरे उस डंडे पे लपेट करके, पहले जैसे मैंने निकाला उस तरह से आप निकाल सकते हो। और यदि उस तरह से नहीं निकालना चाहते हैं तो जिस तरह से अभी मैं हाथ को गर्भाशय के अंदर डाल करके उसके जो बटन्स हैं उनको काज से अंदर से धीरे से खोला हूँ, उसके पश्चात उसे धीरे से खींच रहा हूँ, उस तरह से आपको धीरे धीरे उसे, जैसे अभी देखिए फिर से मैंने अभी हाथ को डाला और वहाँ से अंदर से उसे फिर से पकड़ के खींचा, उसी तरह से आपको भी धीरे धीरे खींच के उसको एक एक करके बाहर निकालनी है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि आपको उसे ज़ोर से हाथ डाल के उसे खींचना नहीं है, नहीं तो वो टूट जाएगा और फिर से आपको उसे पकड़ बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी और पूरी तरह से उसे बाहर निकालने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको एक एक जो प्लेसेंटा है उसको पकड़ना है और धीरे धीरे से उसे बाहर की तरफ खींचना है। जब वो अंदर की तरफ वो फिर से
अंदर की तरफ चला जाएगा, तो उसे फिर से अंदर से हल्के हाथों से पकड़ के फिर से खींचना है। और इसी तरह से आपको प्रोसेस करते रहना है जब तक कि आपका पूरा प्लेसेंटा बाहर ना आ जाए। आप एक काम और कर सकते हो, यदि आप इस तरह से हैंड रिमूवल करके प्लेसेंटा बाहर नहीं निकालना चाहते हो, उस स्थिति में आप यूरिया के जो बोलस आते हैं, फ्यूरिया नाम से फ्यूरिया बोलस आते हैं और मेट्रोनिडाजोल रहती है उस पर, उस बोलस को आप गर्भाशय के अंदर में डाल दीजिए। तो क्या होता है, 2 से 3 घंटे के पश्चात वह जो बोलस है, वह जो अंदर में काज है, उसे बड़ा कर देता है और आसानी से जो प्लेसेंटा के बटन्स होते हैं वह वहाँ से मुक्त हो जाते हैं और उसके पश्चात बड़ी आसानी से जो प्लेसेंटा है वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और दवाई को डालने के पश्चात 2 से 3 घंटे वेट करने पड़ेंगे, अन्यथा आपको इसी तरह से हाथ को डाल करके धीरे धीरे उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ध्यान देने एक बात यह है दोस्तों कि हमें बहुत अधिक तरह से मतलब रैप्चर नहीं करना है अंदर जो यूट्रस वाला पोर्शन है वहाँ पर। अगर आप हाथों की सहायता से इधर उधर ज़्यादा अगर प्रेशराइज़ करेंगे तो वहाँ पर के जो ऑर्गन्स हैं वो रैप्चर होते हैं, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ इसको हैंडलिंग करनी है और बहुत ज़्यादा रैप्चर होने से बचाना है। और इसी तरह से आपको अगर पूरी तरह से प्लेसेंटा निकल जाती है तो बहुत अच्छा होता है और इससे गर्भाशय जो है फिर से गर्भधारण करने में उसको आसानी होती है। तो दोस्तों ये तो रही उसको हैंड रिमूवल की बात, और इसके बाद क्या है, उसे हमें दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं जिससे उसमें रुके हुए प्लेसेंटा के कारण से किसी तरह से बीमारी ना हो जाए। तो जब पूरी तरह से हैंड रिमूवल के थ्रू आपका प्लेसेंटा बाहर निकल जाएगा, उसके पश्चात आप इसे एक एनाल्जेसिक दवाई उसके और मेलोनेक्स और पैरासीटामॉल का, साथ ही साथ कोई एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाई अवश्य दे दें ताकि फिर से इसके सामान्य अवस्था आने में जानवर को सहायता हो सके। तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह से मेरा साथ बनाइए रहिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से पशुपालन से संबंधित अन्य वीडियो भी लाता रहूं और आप लोगों के पशुपालन में मदद कर सकूं। तो चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।